नागपुर शहर में अपराधियों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। जी हां, हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुरुवार को तहसील पुलिस थाने में एक दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की कैश लेकर आरोपी रफू चक्कर हो गए। ये दुकान तहसील थाना के कुछ ही कदमों पर है। थाना परिसर में ऐसी वारदात होना कई सवाल खड़े करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील थाना क्षेत्र के गांधीबाग परिसर में एड ऑन मार्केटिंग नामक दुकान है। इस दुकान के संचालक ने बताया कि गुरुवार की सुबह उन्हें उनके भाई का फोन आया कि दुकान का शटर खुला है। इस बात की जानकारी मिलते ही वे सीधे तहसील थाना पहुंचे और पुलिस को बताया। तहसील की टीम उनके साथ घटनास्थल पहुंची और घटना सामने आई। आरोपियों ने गले में पड़े 1,25,000 रुपयों में हाथ साफ कर भाग गए। रात के समय दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद होने से कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कजन का अपने बच्चों को छोड़ने जाता है कि शटर खुला है। मैं दौड़ते आया और सीधा तहसील गया, वहाँ से पुलिस वालों को लेकर आया कि ऐसा ऐसा शटर तोड़ा गया है। और उनके साथ जब आया, उन्होंने साथ में देखा तो दुकान का शटर आधा खुला था। उसके बाद उनके बोलने पे, पुलिस वालों के बोलने पे जब खोल के अंदर आए तो देखा कैश बॉक्स खुला हुआ था। उसमें लगभग 1,25,000 रुपए पड़े थे कैश से और वो गायब कि कोई चीज़ ऐसा अभी कुछ भी दिख नहीं रहा, वैसे कि वैसे ही है। हमने कोशिश किया पूरा जो ये जो थैले वगैरह थे अंदर उसमें पूरा ढूंढने को, उसमें उनको शायद मेरी दुकान जो है बिल्कुल तहसील पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे होती है। यहीं सामने तहसील पुलिस स्टेशन है और ये जो आप सामने देख रहे हैं, अगर आप एक बार कैमरा घुमाएंगे यहाँ पे, ये जो घर है ये पुलिस वालों के घर है, पुलिस क्वार्टर्स है और बिल्कुल चौक पे दुकान है, तीनों तरफ रोड है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।